अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हेलो टू ऑल द अमेजिंग किड्स ऑफ ग्रेड 4। बिफोर आई कम टू माय टॉपिक, आई वांट टू गिव एडवाइस टू यू ऑल। हैबिट ऑफ रीडिंग व्हिच हैज़ द ग्रेटर इम्पैक्ट इन ऑल आवर पर्सनालिटी। रीडिंग द बुक डज नॉट ओनली डेवलप योर नॉलेज बट ऑल्सो एस्टैब्लिश योर पर्सनैलिटी। सो कीप ऑन रीडिंग गुड कंटेंट्स एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। Coming back to the topic, we will be talking about miracle. Miracle, which is something unexpectable things happens, which we feel that which can never happen, and we believe that it has been caused by our Almighty. This is what we call miracle. Today, we will talk about a story which is there in our English book. Lesson number 4, test by the miracle. When I lose each and every hope of something, when I feel that this task is unexpected and that happens, then I call it as miracle. So let us start lesson number 4, test by the miracle. One day, 8-year-old girl Tess overheard her parents talking about her little brother Andrew. She came to know that Andrew was very sick and that her parents did not have enough money for his treatment. Tess heard her father say, "Only a miracle can save him now." ये स्टोरी एक लड़की की है जो अपने भाई के लिए कुछ हेल्प करना चाहती है। ये लड़की का नाम टेस है और वो 8 ईयर्स की है। टेस ने उसके पेरेंट्स से को बात करते सुना था कि एंड्रयू उसका भाई है, एंड्रयू बहुत ही बीमार है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उसको अच्छे डॉक्टर के पास इलाज करवा पाएँ। तो ये बात टेस सुन लेती है। उसके फादर ऐसे उसके मामा को बोलते हैं, मतलब उसकी वाइफ को, कि अभी तो मिराकल ही बचाएगा एंड्रयू को। सो टेस स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट। शी वेंट टू हर रूम एंड टुक आउट अ जार फ्रॉम हर कपबोर्ड। देयर वेर सम कॉइन्स इन इट। शी काउंटेड द मनी केयरफुली। अभी टेस को ऐसा लगा कि मिराकल यानी कोई मेडिकल में कोई दवाई होगी। तो उसने क्या किया, वो अपने रूम में जाती है और अपने कपबोर्ड में से जो उसकी पिगी बैंक होती है वो एक जार में उसके कॉइन्स रखती है, वो काउंट करने लगती है। देन टेस पुट मनी इनटू अ पर्स एंड मेड हर वे टू अ ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर यानी केमिस्ट की शॉप, यानी मेडिकल, हमारी लैंग्वेज में हम मेडिकल स्टोर बोलते हैं। तो टेस ने क्या किया, उसके जार में जो पैसे थे वो सब पर्स में डाले और ड्रग स्टोर की तरफ गई। द केमिस्ट सॉ हर बाय, डिड नॉट पे एन अटेंशन। केमिस्ट ने उसको देखा, मेडिकल स्टोर वाले ने, पर कोई अटेंशन दिया नहीं। ही वॉज डीप इन कन्वर्जेशन विथ अ मैन व्हेन टेस कंटिन्यूड टू स्टैंड बिफोर द काउंटर। ही सेड टू हर साउंडिंग रादर एनॉयड, "व्हाट डू यू वॉन्ट? आई एम टॉकिंग टू माई ब्रदर who has just arrived from Chicago." केमिस्ट ने ध्यान नहीं दिया, वो अपने भाई के साथ बातें करने में था। फिर उसने बोला कि तुझे क्या चाहिए, तुझे देखा ही नहीं देता कि मैं मेरे भाई के साथ बात कर रहा हूँ, वो अभी ही शिकागो से आया है। टेस सेड, "आई वॉन्ट टू बाई अ मिरेकल," सेड अ टेस। "माई ब्रदर एंड्रयू इज़ वेरी रियली सिक। He has something bad growing inside his head, and my father said that only a miracle can save him now. Can you tell me how a miracle cost?" Miracle यानी कोई magic. टेस को ऐसा लगा कि miracle medical store में मिल जाएगा, तो वो medical store वाले को बोलती है कि क्या आपके पास miracle है, क्योंकि मेरा भाई Andrew वो बहुत ही sick है और उसके हेड के अंदर कोई भी ऐसी बैड चीज़ ग्रो कर रही है जिससे उसकी तबीयत और भी बिगड़ रही है।
और मेरे फादर ने ऐसा बोला है कि अभी तो मिराकल ही बचा पाएगा एंड्रू को, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि मिराकल कितने का मिलेगा, उसकी कॉस्ट क्या होगी? द केमिस्ट ब्रदर, अ वेल ड्रेस्ड मैन, वॉज लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन बिटवीन हिज फादर एंड द लिटिल गर्ल। केमिस्ट का जो भाई था, शिकागो से आया था, वो केमिस्ट मतलब उसके भाई की और वो लड़की की बातें सुन रहा था। ही टर्न टू टेस एंड आस्ट, वॉट काइंड ऑफ मिरेकल डज योर ब्रदर नीड? मेडिकल स्टोर वाले के भाई ने टेस से पूछा कि आपके भाई को ऐसा कौन सा मिरेकल चाहिए? डोंट नो, रिप्लाइड टेस्ट। टेस्ट ने बोला, मुझे पता नहीं है। और आईज फुल ऑफ टीयर्स, उसकी आंखें भर आई, मतलब वो रोने जैसी हो गई। ही इज रियली सिक एंड मम्मी सेज ही नीड्स एन ऑपरेशन। टेस्ट ने वो वेल ड्रेस्ड मैन से बोला कि उसे कोई ऑपरेशन की ज़रूरत है, बट डैड कैन नॉट पे फॉर इट, पर पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि उसका ऑपरेशन करवा पाए। सो आई वॉन्ट टू यूज़ माई ओन मनी, तो मुझे मेरे भाई के लिए मेरे जो पैसे हैं वो यूज़ करने हैं। हाउ मच डू यू हैव, आज द मैन। अभी जो वेल ड्रेस्ड मैन था उसने उसको पूछा कि तेरे पास कितने रुपए हैं? $1.11, सेड टेस। मेरे पास $1.11 है। वंडरफुल, सेड द मैन स्माइलिंग। वो जो मैन था उसने टेस को बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, स्माइलिंग, स्माइल करते हुए उसने बोला। $1.11, दैट्स द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ द मिरेकल फॉर योर लिटिल ब्रदर। अभी जो वेल ड्रेस्ड मैन था, केमिस्ट का भाई, उसे तो पता ही था कि मिरेकल मिलता नहीं है। फिर उसने क्या किया, टेस को बोला, कोई बात नहीं, $1 and 11 cents ही होते हैं तेरे भाई को मिरेकल के लिए। ही टुक टेस मनी इन वन हैंड एंड हेल्ड हर विथ सम अदर सेइंग, टेक मी टू योर हाउस, आई वॉन्ट टू सी योर ब्रदर। वो जो इंसान था, केमिस्ट का भाई, उसने क्या किया, $1.11 टेस के पास से ले लिए एक हाथ से, और एक हाथ से उसको टेस को बोला कि चल तू मुझे अपने घर पे ले चल, मैं तुझे तेरे भाई को देख लेता हूँ। लेट मी सिफ सी इफ आई हैव द काइंड ऑफ मिरेकल ही नीड्स। मैं तेरे भाई को देख लूँ, फिर मुझे पता चलेगा कि मेरे पास वो मिरेकल है या नहीं। द केमिस्ट ब्रदर वॉज डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग, अ फेमस न्यूरोसर्जन। जो केमिस्ट का भाई शिकागो से आया था वो कौन था, वो डॉक्टर था, किसका, न्यूरोसर्जन, और क्या नाम था, डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग। ही सून हैड एंड्रू एडमिटेड टू हॉस्पिटल वेयर ही ऑपरेटेड ऑन हिम। वो डॉक्टर उसके घर गए और उन्होंने एंड्रू को देखा तो उन्हें पता चला कि ये तो पहले भी मेरे पास से दवाई ले गए थे। विद इन अ फ्यू वीक एंड्रू वॉज बैक एट होम एंड डूइंग वेल। वन डे टेस मदर सेड हर हस्बैंड, आई वॉन्डर हाउ मच एंड्रूज सर्जरी कॉस्ट, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वुड नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम अस। थोड़े दिन बाद हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया, उसका ऑपरेशन हुआ और थोड़े वीक्स में वो घर पे आ गया और वो एकदम अच्छा फील कर रहा था। फिर एक दिन टेस की मम्मी और डैडी बातें कर रहे थे कि मुझे पता है कि एंड्रू की सर्जरी के लिए कितने पैसे होते हैं, पर डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने हमारे पास से एक भी पैसा नहीं लिया। हियरिंग दिस टेस स्माइल्ड टू हरसेल्फ, ये भी बात सुन रही थी टेस और मन ही मन में हंसने लगी। शी न्यू एग्जैक्टली हाउ मच अ मिरेकल कॉस्ट, क्योंकि टेस को पता था कि मिरेकल कितने का आया, $1.11, उसको पता था कि उन्होंने मतलब टेस ने डॉक्टर को कितने दिए थे बच्चों,
$1.11 एंड अ फेथ ऑफ द लिटिल चाइल्ड, वो एक ईमानदारी थी वो लड़की की। सो समझ में आया बच्चों? अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू।